सब तो पहले तो सारे परिवार के मैंबर सत श्री अकाल जी ते स्वागत है एक बार फिर तो तुहाडा। संगत गुरुद्वारा रोड़ी साहब तो चल के पहुँच चुकी है गुरुद्वारा डेरा साहब शहीदी स्थान श्री गुरु अर्जन देव जी, दर्शन कर रहे हो संगत जी गुरुद्वारा शहीदी स्थान पंचम पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज डेरा साहब लाहौर पाकिस्तान। संगत जी दर्शन कर रहे हो तुसीं पंचम पातशाह दे शहीदी स्थान डेरा साहब लाहौर दा, आओ उन्हां दे शहीदी स्थान दे दर्शन करते हाँ। संगत जी दर्शन करो पंचम पातशाह दे शहीदी स्थान डेरा साहिब लाहौर। उस समय इस थान ते रावी दरिया वगदा हुंदा सी जी, गुरु पातशाह नूं तसीहे देण तों बाद चंदू दे सिपाही इस थान ते ही लैके आए सन। दर्शन करो संगत जी पंजम पातशाह दे शहीदी स्थान। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਨਹੂਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੁੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਛੱਜਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਨਹੂਸ ਜਾਂ ਖੂਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। इस दरवाजे के बंद होने नाले सिखां दे राज दा जिहड़ा पतन आ वह भी शुरू हो गया सी। इस दरवाजे विचों ही पहला जिहड़ा किले दा आउणा जाणा ज़्यादातर होया करदा सी। पौड़ियां चढ़ के ही उपर महाराजा रणजीत सिंह जी की समाध ते कौमर नौनिहाल शेर सिंह ते खड़क सिंह दी जिहड़ियां समाधां बनिया हुई हैं, जिथे महाराजा रणजीत सिंह की समाध बनी हुई है उत्थे अजकल धन धन सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है। जिस थां ते गुरु साहब का प्रकाश है जी इस दे थले ही महाराजा रणजीत सिंह की समाध बनी हुई है। संगत जी दर्शन करो ये है जी समाध कौमर नौनिहाल सिंह।
संगत जी दर्शन करो। ये जी समात खड़क सिंह जी। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਨ